सत श्रीकाल जी सारिआं नूं, बहुत स्वागत है तुहाडा तुहाडे चैनल दे उपर, राइट ऑन दे उपर। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसिस ते डिटरमिनेंट, अज तुहाडा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिन्ने भी अपने पेंडिंग MCQ सीगे उन्हां सब नूं अज आपां कंप्लीट करांगे। इस तों बाद तुहाडा स्टिल किते भी कोई भी किते भी डाउट हुंदा है तां तुसीं पुछ लियो। तुहाडे लई जो कमेंट सैक्शन है ओह तुहानूं पता ही है कि तुसीं आराम नाल उत्थों अपने डाउट्स ने जो हो साडे तों पुछ सकदे हो। चलो हुण आपां गल कर लैंदे हां टैलीग्राम ग्रुप की। एक जिहड़े भी साथी अपने नाल नवे जुड़ते हैं उन्हां नूं रिक्वेस्ट है कि टैलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लियो। हर इनफॉर्मेशन तुहानूं टैलीग्राम ग्रुप दे विच ही मिलती है। हाँ जी, अज की जो ये क्लास है इस आप 218 क्वेश्चन कंप्लीट करन तो बाद 219 क्वेश्चन तो स्टार्ट करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं तो मैट्रिसिस के डिटरमिनेंट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जिहड़े भी साथी क्लास पसंद आती है रिक्वेस्ट है जेकर तुहानू लगता है कि हाँ जी ये वीडियोज़ लाइक शेयर ते सबसक्राइब दे योग हैगिया ने तो लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करियो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2019 219वां क्वेश्चन है जी। देखो तुसी खुद ही देख रहे हो किन्ने क्वेश्चन आप इतने प्रैक्टिस कर चुके हैं और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लैवल के सी। ठीक है, 219वां क्वेश्चन तुहाडे सामने है। एक मैंने पी मैट्रिक्स दिती हुई है जो कि है 3x3 की मैट्रिक्स है। सच दैट जो आप पी का ट्रांसपोज करते हैं तो यह कंडीशन मेरे को आती है। ठीक है जी, आइडेंटिटी मैंने मैट्रिक्स दिती हुई है तो देयर एग्जिस्ट उत्थे एक एक्स कॉलम मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करती है। दसो इन्हां चारां दे विच्चों कीड़ी एक स्टेटमेंट है वह जी ट्रू होएगी। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो जो चीज़ मैनू गीवन है आपां उसनू ही लैके चलांगे, वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, और मैनू गीवन की है जी पी दा ट्रांसपोज जो कि मेरे को 2 × p + आइडेंटिटी दे इक्वल है। बस कुछ भी नहीं है, बहुत सौखा जिहा काम है। आपां इत्थों की करदे हां आइडेंटिटी दी वैल्यू कढ लैंदे हां की वैल्यू आ जानी है पी ट्रांसपोज −2p इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। हुण देखो तुहाडे कोल की बन गया एक नवी स्टेटमेंट बन गई। आपां की करदे हां जी दोनों तरफ ट्रांसपोज कर लैंदे हां। ठीक है, दोनों तरफ ट्रांसपोज किया तो देखो इसनों आपां नूं ओपन करना अच्छे तरीके नाल आंदा है की बन जाएगा पी दे ट्रांसपोज दा ट्रांसपोज −2p ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी दा ट्रांसपोज। हुण ये सारिया चीज़ा आपां नूं पता ने जो तो भी किसी मैट्रिक्स का दो बारी ट्रांसपोज करते हैं उही मैट्रिक्स आ जाती है। −2p ट्रांसपोज हो जाएगा और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज वापस आइडेंटिटी दे ही इक्वल होंगे, कॉमन थिंग। ठीक है जी, हुण ये अपने को फर्स्ट स्टेटमेंट सी और ये अपने को सैकेंड स्टेटमेंट सी। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट्स तुहाडे सामने ने और दोनों स्टेटमेंट्स नूं आपां की कर लैंदे आ सोल्व कर लैंदे आ क्योंकि आपां ने वैल्यू किहदी कढ़नी है, आपां ने पी की वैल्यू कढ़नी है कि आखिर पी की वैल्यू हैगी किहदे इक्वल है। ठीक है, हाँ जी, इसनों नेक्स्ट पेज से लिखते हैं पी ट्रांसपोज −2p विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी एंड पी −2p ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। मैंने की किता इस पूरी इक्वेशन नू 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर दिता ताकि मेरे को सोल्व हो जाए। उस तो बाद कर दिती एडिंग, जो तो एडिंग करांगे ये दोनों आपस दे विच कैंसल हो जाएंगे। −3p मेरे को किस दे इक्वल आ जाता है 3 × आइडेंटिटी दे इक्वल आ जाता है। जेकर आप ध्यान नाल देखिए तो पी की वैल्यू कितनी आ जाती है −आइडेंटिटी, जिसनों तुसी ये भी कह सकते हो कि पी प्लस आइडेंटिटी कि इक्वल आ चुकया है 0 दे इक्वल आ चुकया है। हुण इस इक्वेशन तो क्लीयर है कि अपने को दोनों जगह के उपर जो तुसी इसनों सोल्व करते हो तो की मैट्रिक्स बन जाती है पी प्लस आइडेंटिटी जिसनों आप एक्स मैट्रिक्स के नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे को आंसर आता है जी px इज़ इक्वल टू −x। तो विच ऑप्शन इज़ राइट हेयर ABCD, तुसी ध्यान नाल देख सकते हो डी ऑप्शन इतने बिल्कुल सही है, दिस इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, और इस दे विच भी जेकर आप रिकॉर्ड करके लगा रहे हैं क्लास इसका मतलब ये नहीं है कि तुसी आंसर नहीं करोगे, तुसी पूरी कोशिश करनी है पहला खुद सॉल्व करो उस तो बाद देखो कि तुहाडा आंसर सही है या गलत है। हाँ जी, ए मैट्रिक्स मैनू कोई भी एक मैट्रिक्स दिती हुई है जिस दे विच मैनू क्या होया एक्स और वाई दी प्रोडक्ट जो है वह 1 दे इक्वल है। तो दसो जी डिटरमिनेंट ऑफ a × a ट्रांसपोज की दे इक्वल होएगा। तो हुण जदों मैनू पता है एक्स और वाई दी प्रोडक्ट 1 दे इक्वल है तो मैं इतने लैट कर लैनी हाँ एक्स की वैल्यू भी 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन सैटिस्फाई करेगा तो ए मैट्रिक्स मेरे को की बन जाती है। हुण तुसी कहोगे ए मैट्रिक्स मेरे को बन जाती है a 1 1 एंड a। जो तुसी इसका ट्रांसपोज करोगे तो वह भी मेरे को बनेगी आई थिंक सो सेम ही बनेगी और सेम मैट्रिक्स बनने तो बाद दोनों की प्रोडक्ट भी तो करनी है क्योंकि आप डिटरमिनेंट कढ़ना है a ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई का। ठीक है जी, a × a ट्रांसपोज जो आपने कढ़िया तो कितना आ गया जी मेरे को a² + 1
ठीक है जी, ए स्क्वेयर प्लस वन। सिमिलरली ए प्लस ए करांगे तो मेरे को कितना आ जाएगा, टू ए आ जाएगा, अगेन टू ए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज वन प्लस ए स्क्वेयर। हूँ जो तुम इसका डिटरमिनेट कर दोगे तो सिंपल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस दिस तो कितना आ जाता जी, वन प्लस ए स्क्वेयर द होल स्क्वेयर माइनस फोर ए स्क्वेयर। चलो इसे सॉल्व कर दो तो आंसर तुहाड़ा तैयार है। दसो जी कि ऑप्शन इस राइट है, ए बी सी डी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड टू ए बी, क्लियर है। माइनस फोर ए स्क्वेयर करांगे तो आई थिंक सो मेरे को एक नवी आइडेंटिटी बन जाती है जिसनों आप वन माइनस ए स्क्वेयर ज ए स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर भी बोल सकते हैं। तो कि राइट इक्वेशन तुहाडे कोल आ जाती है, दैट इज़ डी ऑप्शन, क्लियर है जी। सो सिंपल राइट आंसर अपने को आ जाता है ऑप्शन डी, ईजी। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2021 के उपर, ठीक है 2021 नहीं 221 के उपर। हाँ जी, एक इक्वेशन दिती हुई है, कहिंदे अगर ए मेरे को कोई भी स्क्वेयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, सच दैट मैंने एक इक्वेशन दिती हुई है, ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 4 इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, और 0 मेरे कोई भी 0 मैट्रिक्स है, आई मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, दैन इन्हों चारा दसो जी कि एक इक्वेशन राइट हो जाती है। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो इस दे विच की हो रहा है, इस इक्वेशन नूं जेकर आपां थोड़ा जिहा विजुअलाइज़ करन दी कोशिश करिए, हुण अगर मैं इन्हां दोनों दे विचों ए कॉमन कढ लैनी आ तां मेरे कोल पिछे की बन जांदा, ए प्लस आइडेंटिटी, जो मेरे कोल किस दे इक्वल होएगा, माइनस फोर आइडेंटिटी दे इक्वल होएगा, क्योंकि आपां ने चेक करना है डिटरमिनेंट कहानी की दी है, सिंगुलर दी है। तुसीं ध्यान नाल देखो मैंने एवें क्यों किया, क्योंकि हर क्वेश्चन दे विच मेरे को ए ते ए प्लस आई सी, जो तो मैंने कॉमन कढ़िया तो एक मेरे को ए आ गया और एक मेरे को ए प्लस आई आ गया। तुसीं देखो जो मैं डिटरमिनेंट कर रही हूँ दोनों पासे, तो दोनों पासे डिटरमिनेंट करन तो बाद मेरे को नॉट इक्वल टू 0 आ रहा, कितना आ रहा मेरे को माइनस 4 आ रहा है ना, तो माइनस 4 तो मेरे को नॉट इक्वल टू 0 होंगे, क्लियर है। तो यदा मतलब एक चीज़ तो जी क्लियर है, दोनों ही जो मैट्रिसिज ने वह सिंगुलर नहीं है, क्योंकि जेकर दोनों के प्रोडक्ट की डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट ही 0 नहीं आ रही तो दोनों ही की होनगियां, नॉन सिंगुलर होनगियां, क्लियर है। तो कि ऑप्शन ये राइट हो जाती है, ए बी सी डी, तो क्लियर है जी, बी इज़ द राइट आंसर, ए भी मेरे को नॉन सिंगुलर है एंड ए प्लस आई भी मेरे को नॉन सिंगुलर है। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2022 के उपर। हाँ जी 222 क्वेश्चन देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कोई भी ऑर्डर 2 की, ए मैट्रिक्स मैंने दिती हुई है, तो दसो जी इन्हों चारा दे विचों केड़ी एक ऑप्शन राइट है। तो इतने मैं तुम्हें सुजैसट करांगी वैल्यूज़ नू पुट कर दो, फॉर एग्जाम्पल आप एन की वैल्यू 1 पुट कर दें। हुण जेकर आप फर्स्ट ऑप्शन चकते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग की है, ए की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू ए माइनस 0, तो आई थिंक सो ये तो क्लीयर है, सही आ रहा है मेरे को, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दे विच। चलो इसनों चेक कर लें, कई बार मोर दैन वन ऑप्शन भी आ जाते हैं, तो इनू तो आप लेके चल सकते हैं, हले आंसर नहीं कढ़िया। सैकेंड ऑप्शन दे विच देखो जी, ए दी पावर 1 इज इक्वल टू ए प्लस 0, ए भी मेरे को आंसर हो सकता है, ठीक है। थर्ड दे विच जो तुम गल करते हो तो मेरे को कितना बन जाता है, ए इज इक्वल टू 2a, और इस दे विच जो आप देखते हैं तो मेरे को कितना बन जाता है, ए इज इक्वल टू ए, तो मतलब ए ऑप्शन तो एलीमीनेट हो जाती है, होर ऑप्शन के आपू नैचुरली सोल्व करना ही पेगा, एन की वैल्यू में 2 पुट करना ही पेगा। सो हूँ आप कर लें जी एन की वैल्यू में 2 पुट, ठीक है। चलो हूँ ध्यान न देखो, सी क्वेश्चन ऑप्शन का किसी भी कंडीशन अपना आंसर नहीं हो सकता, जो मैं एन की वैल्यू में 2 पुट करती हाँ तो सब तो पहला तो मैं ए स्क्वेयर क्ढना पेगा, ए स्क्वेयर क्ढन के लिए मैं की करांगी 2 बारी इस मल्टीप्लाई कर लाँगी, ठीक है जी 1011। चलो इस कंडीशन नूं सॉल्व किया, कितना आंसर आ गया मेरे को, दैट विल बी 1 एंड उस तो बाद 1 प्लस 1 2 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रोंग, ठीक है जी 0 एंड 1, दिस इज योर ए स्क्वेयर। जो तो मैंने ए स्क्वेयर कढ़िया, मैंने फर्स्ट ऑप्शन नूं चेक किया तो कितना आ गया जी ए स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 2a, एंड देखो मेरे को फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ जाता है ए स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 2a माइनस आइडेंटिटी। हाँ जी ए सोल्व करके देखो कि तुहाडा सही आ रहा है, 2202 दे विचो जो तो मैं आइडेंटिटी माइनस कर देनी हाँ कि मेरा आंसर सेम आ रहा, तुसी कहोगे हाँ जी आ रहा है, मीनस ये दोनों ऑप्शनस बिल्कुल ही सही ने, बाकी दोनों तुसी कढ़ोगे मैच नहीं करनगियां, दिस इज़ रिजल्ट, तो मतलब ए इज़ योर राइट आंसर, ठीक है जी।
हाँ जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 23rd क्वेश्चन हैगा, पी मैनू कोई भी एक मैट्रिक्स दिती हुई है, एक्स मैनू मैट्रिक्स दिती हुई है, तो दसो जी पी क्यूब एक्स किहदे इक्वल होएगा। देखो ये मैं तुहानू एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे रही हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है एंड ईजी है, हो जाएगा आराम नाल, इस दे विच कुछ भी नहीं है। आपां की करांगे, इस दे विच वैल्यूज़ नू पुट कर लवांगे। पी मैट्रिक्स मेरे को की बन जाएगी, 1/√2 -1/√2 1/√2 एंड 1/√2 1/√2 कॉमन कढ़ांगे, क्यूब करांगे, आंसर तो हाडे सामने है। सो बिल्कुल सिंपल जा क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तुम मैं कमेंट करके जरूर दसोंगे कि इज द राइट आंसर होएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 224 मतलब 24th जो क्वेश्चन है वो तो हाडे सामने है। कहिंदे पी मेरे को कोई भी एक सैट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसिज है। हुण पी किस चीज़ का सैट बनया होया जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिसिज मतलब वो मैट्रिसिज जिन्हों का डिटरमीनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। मैट्रिसिज ऑफ ऑर्डर 3 ओवर आर एंड क्यू इज़ द सैट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसिज, ठीक है। क्यू मेरे को किन्ना दा सैट है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसिज का सैट है। तो दसो जी की इन्हों चारों के रिजल्ट होएगा। तुसी आप सोच के देखो, पी मेरे को सारिया मैट्रिसिज ने जिन्हों का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, ठीक है। होर कोई भी नंबर हो सकता, कोई भी नंबर हो सकता, मीनस इट कैन बी 1, इट कैन बी -1, -2, -2 एनीथिंग, कुछ भी नंबर इसका हो सकता है। और जोड़ा क्यू सैट आ ऑर्थोगोनल मैट्रिसिज ने, मतलब जो तुम इस डिटरमिनेंट कढ़ते हो तो थोड़े को सिर्फ तो सिर्फ प्लस माइनस आंसर ही आएगा। तो दसो जी पी इज़ प्रोपर सबसेट ऑफ क्यू, जो क्यू इज़ प्रोपर सबसेट ऑफ पी, ना तो पी क्यू का सबसेट है, ना ही क्यू पी का सबसेट है, और जा फिर इंटरसेक्शन फाई है। तब वो चीज़ क्लियर है कि केड़ी चीज़ क्लियर है। पहली गल तो पी मेरे को एक ओ वाला सैट है जिसके सारे ही डिटरमिनेंट इनकलूडेड ने, और क्यू ओ सैट है जिसके सिर्फ प्लस माइनस 1 ही आ सकता है। सो यू कैन ईजीली से दैट के क्यू इज़ अ प्रोपर सबसेट ऑफ पी, ठीक है जी, क्लियर है, वधिया क्वेश्चन सी ये। चलो अगे चलते हैं 25 क्वेश्चन के उपर। देखो 25 क्वेश्चन की दिता हुआ है, ए मैट्रिक्स दिती हुई है तो हानू कोई भी एंड बी मैट्रिक्स दिती हुई है, दैन ऑल द सोल्यूशन ऑफ डिटरमीनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो। पहला तो ए बी कढ लें और उस तो बाद उसका डिटरमीनेंट देखते हैं। चलो जी ए बी कढ़ांगे, करना जरूरी है, ठीक है। हाँ जी ए बी कढ़ते हैं तो किन्ना आंसर आ जाता है मेरे को, दैट विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 15x भी करांगे तो 17x आ जाएगा, जो कि मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 17x, ठीक है। और इतने मेरे को आ जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 6x, हाँ जी उस तो बाद आ गया 8x प्लस 10 एंड x प्लस 2 द होल स्क्वेयर। देखो हुण ध्यान दे नाल, इहदे विच सारा कुछ सॉल्व करन दी जरूरत नहीं है, कोई भी एक इक्वेशन चुको। फॉर एग्जाम्पल मैंने चक ली एक्स स्क्वेयर प्लस 17x विच इज़ इक्वल टू जीरो, सॉरी इतने डिटरमिनेंट गिवन सी ना, डिटरमिनेंट गिवन सी, बाय ऑप्शन कर लो, सब तो वधिया तरीका जी बाय ऑप्शन करन दा ही फायदा है। तुसी देखो माइनस 1 जो है वह हर जगह पर है, ठीक है, केड़ी इदा दी ऑप्शन है जो हर जगह पर नहीं हैगी। जीरो पुट कर लें पहला, तो जो तो मैंने जीरो पुट किया 0 0 10, चलो कन्फ्यूज़ नहीं करते, पहला आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर लें पता लग जाएगा, ठीक है जी। जीरो पुट किया तो मेरा आंसर की आ रहा है 0 0 10 and 4, तो क्लियर है इसका डिटरमिनेंट तो जीरो बनेगा, मतलब जीरो मेरे को राइट आंसर है गया, सी ऑप्शन नू कर दो इलीमीनेट। हुण आपां माइनस 1 नू चेक करते हैं, क्योंकि माइनस 1 इदा दा ऑप्शन है गया जो आराम नाल मैनू आंसर दे देगा, है ना। माइनस 1 नू चेक करते हैं जी, माइनस 1 तुहाडे कोल इहदे विच सैटिस्फाई करता या नहीं करता। देखो तुहाडे कोल की सीगा एक्स स्क्वेयर प्लस 17x 3x स्क्वेयर प्लस 6x 8x प्लस 10 और उस तो बाद मेरे को आ गया x प्लस 2 द होल स्क्वेयर। जो तो मैंने x की वैल्यू माइनस 1 पुट की तो की मेरा सैटिस्फाई करेगा आंसर। देखो माइनस 1 का स्क्वेयर करांगे 1, माइनस 17 मतलब मेरे को आ गया माइनस 16, हाँ जी 3 माइनस 6 माइनस 3। सिमिलरली जो इस सॉल्व करांगे 2 आ जाएगा एंड इस सॉल्व करोगे 1, तो यही मेरे को क्लीयर है डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, सॉल्व करन दी भी लोड़ नहीं, नज़र ही आ रहा है, तो मतलब यह भी मेरा राइट आंसर नहीं है। हुण तुसी आप सोच के देखो, जिस दे विच मेरा ऑप्शन ही नहीं आ रहा, माइनस 1 इनकलूड ही नहीं हो रहा, तो वह आप दोनों इलीमीनेट कर देंगे तो मेरा आंसर तैयार है, दैट इज़ ऑप्शन बी। सो केड़ी राइट ऑप्शन आ जाती है जी, बी। सो बाय ऑप्शन करे करो सौखा हो जाता है। चलो
क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, रैंक ऑफ, जेकर तुहानू एक मैट्रिक्स दिती हुई है, इस मैट्रिक्स का कहिंदे रैंक जो है वो वन दे इक्वल है, रैंक इस मैट्रिक्स का वन दे इक्वल है, तो दसो जी अपने कोल एक्स दियां वैल्यूज कीडियां होंगियां। वन रैंक होने का मतलब की है? वन रैंक होने का मतलब साफ साफ यह है कि इस दे विच 2/2 का डिटरमीनेंट भी जीरो है एंड 3/3 का डिटरमीनेंट भी जीरो है। ठीक है, क्लियर है? तो इट मीनस टू से जेकर तुसी ध्यान नाल देखो, मैंने की किया, चलो इतों एक्स कॉमन काढ लिया, इतों एक्स कॉमन काढ लिया, ठीक है, किमें भी करके सोल्व किया, तो यह सिर्फ ता ही पॉसिबल है। देखो ये पूरी टर्म कदों जीरो बनेगी, जो एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, एक्स की वैल्यू वन है, एक्स की वैल्यू जीरो ज वन है ज जीरो है। हूँ देखो तुम कहोगे जीरो पुट करो चाहे वन पुट करो, जेकर मैं जीरो पुट करती हाँ तो भी मेरे को डिटरमीनेंट जीरो आ रहा, जेकर मैं वन पुट करती हाँ तो भी मेरे को डिटरमीनेंट जीरो आ रहा। तो जीरो ज वन दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, तो यह तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन चलिया जाए। हुण क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कला जीरो ज कला वन पुट करके देखते हैं, जेकर मैं 2/2 की गल करा या फिर किमें भी करके मैंने एक इदा की मैट्रिक्स चक ली, दैट इज़ एक्स स्क्वेयर एक्स एक्स एंड एक्स प्लस वन, क्योंकि देखो 2/2 हर कंडीशन दे विच मेरे को की होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, है ना। तो जो मैंने इस दे विच वन पुट किया तो मेरे को किन्ना आ गया जी वन 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 एंड टू, तो डिटरमीनेंट आ गया नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जेकर मेरे को एक्स की वैल्यू वन है तो मेरे को रैंक वन नहीं आ रहा, है ना। तो यह चीज़ क्लीयर है कि वन तो आप लै ही नहीं सकते। हाँ, हुण क्वेश्चन अराइज हुंदा मैम जीरो भी पुट करके दिखाओ, जीरो पुट करके देख लो जी, जीरो तुसी कोई भी 2/2 दे विच पुट करो, हर वारी तुहाडा डिटरमीनेंट जीरो आएगा, मीनस राइट ऑप्शन की होने वाली है, सी होने वाली है। सिर्फ 3/3 ते ना जाइयो, 2/2 दे हर मैट्रिक्स भी की बनेगी, जीरो ही बनेगी। ठीक है जी, अगे चलते हैं 2227 दे उपर। ए मेरे को कोई भी इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, बी भी मेरे कोई भी मैट्रिक्स है, तो दसो जी इन चारों के केड़ी एक कंडीशन राइट है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दे विच रखो, जेकर ए इनवर्टिबल है तो मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, और ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो चलो आप देख लें, रैंक की गल कर रहे हैं कि रैंक ऑफ ए बी रैंक ए दे इक्वल होएगा, बी दे इक्वल होएगा, ए तो ग्रेटर होएगा, ज ए का रैंक बी दे रैंक तो ग्रेटर होने वाला है। चलो जी करिए सोल्व, मैं इतने लैके चल पी रैंक ऑफ बी। हुण क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि बी ही क्यों लिया, दस दें अगे अगे, क्योंकि आपू गल कही है कि जो ए है वह इनवर्टिबल है, बी बारे तो अपन कोई भी इनफोरमेसन दिती ही नहीं, ठीक है। जेकर ए इनवर्टिबल है तो मैं यह चीज़ भी लिख सकती हाँ येस नो, कोई फर्क नहीं पैंता, है ना, आंसर मेरे को सेम आएगा। और जो इस थोड़ा जा तुसी ब्रेक कर दे तो तुसी ए भी कह सकते हो कि रैंक ऑफ ए इनवर्स इनटू ए बी मेरे को की होने वाला है, क्लियर है, इट विल बी लेस दैन इक्वल टू फ्रॉम रैंक ए बी, येस नो। ये रिजल्ट होंगे प्रोडक्ट के बीच हमेशा रैंक की होएगा जी, लैस दैन होएगा, ठीक है। सो चलो थोड़ा जा होर इस सॉल्व कर लें, पर जेकर आप ध्यान नाल देखिए तो कि जेकर ए रिजल्ट लग रहा है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए बी जो है और मेरे को लैस दैन हो जाएगा रैंक बी तो, क्योंकि सेम ही रिजल्ट प्रोडक्ट वाला इतने भी तो लग रहा है, मैंने किसी नंबर ना मल्टीप्लाई किया वो लैस हो गया, इतने मैंने किसी नंबर ना मल्टीप्लाई किया लैस हो रहा है। तो कहने का मतलब इतों एंड इतों फर्स्ट एंड सेकेंड तो की पता लग गया कि तो दोनों ही आपस में बराबर ने। जेकर मैं कहां एक्स की वैल्यू वाई तो छोटी है एंड वाई की वैल्यू एक्स तो छोटी है तो यह मतलब ये दोनों नंबर्स आपस के बराबर ने, वेरी वेरी ईजी टू अंडरसटैंड। सो अपने को रिजल्ट भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि आंसर तो की होएगा बी ऑप्शन होएगा जी, क्लीयर है। अगे चलते हैं 28th क्वेश्चन के उपर। हाँ जी 28th क्वेश्चन का आंसर करो, ए मैट्रिक्स मैंने कोई भी दिती हुई है, दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करैक्ट, इन्हों के विचों केड़ा एक बिल्कुल भी सही नहीं हैगा। हाँ जी चार ऑप्शन तो हमारे सामने है, अगेन दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी सिंपल जहा है, कैले हैमिल्टन थ्योरम सबनों यूज़ करनी आती है, उस थ्योरम नू यूज़ करो एंड आंसर दसो केड़ा ए बी सी डी राइट होएगा। होमवर्क है, सिंपल है, ईजी है, थ्योरम नू यूज़ करके होएगा। हाँ जी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2029। चलो जी इस क्वेश्चन नू समझते हैं, डिस्कस करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वधिया क्वेश्चन है। देखो तो हमने एक मैट्रिक्स दिती हुई है और बी मैट्रिक्स मैनू कहते जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए है। सो कहने का मतलब यही हो गया जेकर तुसी एडजॉइंट ए काढ लैंदे हो तो तुहानू तुहाडी बी मैट्रिक्स भी मिल जाती है।
ईजी। फिर कहते जो सी मैट्रिक्स है वह 3 × A है, ठीक है। तो दसो जी ये वैल्यू की होएगी, तो कहन का मतलब कुछ भी नहीं, तुसी पहला एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट कढ़ना। जेकर तुसी समझ रहे हो तो तुसी ये समझ सकते हो कि एदा मतलब मैंने दो बारी एडजॉइंट ऑफ ए कढ़ के फिर उसका डिटरमिनेंट कढ़ना, ठीक है। और इसका मैं तुहानू डायरैक्ट एक फॉर्मूला दसिया सी कि ए दी डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस टू दा सॉरी एन माइनस वन दा स्क्वायर इस दे विच हो जाएगा। ये आप डायरैक्ट करके आए हाँ, यस नो। हुण तुसी सोचोगे डिटरमिनेंट की है, तो यदा डिटरमिनेंट आप आराम कढ़ सकते हैं जी, ए का डिटरमिनेंट है 6। तो चलो फिर कर लें सोल्व, एन की वैल्यू कि 3। तो जो मैंने 6 की पावर 3 माइनस 1 2 की पावर 2 मतलब 6 की पावर 4 की, तो मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी आ चुकिया सी विच इज़ इक्वल टू 36 का स्क्वेयर, है ना। सारा नहीं सोल्व कर दे, चलो जी हूँ आप गल कर लें सी के डिटरमिनेंट की। सी का डिटरमिनेंट कि इक्वल है 3 × A के डिटरमिनेंट के इक्वल है, ठीक है। 3 नू जो मैं डिटरमिनेंट तो बाहर कढ़ाँगी तब की आएगा 3 क्यूब बाहर आएगा, ठीक है। जो 3 क्यूब बाहर आ गया और नाल मल्टीप्लाई की हो रहा है ए का डिटरमिनेंट, तो किन्ना आंसर आ गया जी 3 क्यूब × 6। हूँ दोनों की डिवाइड कर दो, 36 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6। देखो तो काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन है वह इतने ईजी हो जाता है, ठीक है जी। चलो आंसर मेरे को कितना आ चुकी है, 8 आ चुकी है, और आंसर 8 आ गया मतलब केड़ी ऑप्शन राइट है, बी इज़ द राइट आंसर। सिंपल इजी, तो देखने से लग रहा है कि काफ़ी कुछ कढ़ना पेगा, पर जेकर तुहानू आइडेंटिटीज आंदियां ने फॉर्मूलाज आते हैं तो तुसी कुछ भी नहीं करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30th। हाँ जी इतने तो ग्रेजुएशन लैवल के क्वेश्चन ने जोड़े वो स्टार्ट हो चुके हैं। चलो हूँ सारे जने इस दे नाल नाल आंसर जरूर करते जाइयो। हाँ जी इस दे विच सब तो पहला तो तुहानू पूछा होया द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एन एक्लन फॉर्म, उसनू आपां की बोलते हैं। देखो जो आपने बेसिक क्लीयर किया ना, तो बेसिक क्लीयर करते हुए एक चीज़ मैं तुहानू दसी सी, सब तो पहली एक्लन फॉर्म की हुंदा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आप हूँ चल रहे हैं। तो देखो जो अपने को एक्लन फॉर्म है उसके कुछ इदा दिया रोज होंगे ने जो जीरो होंगे ने, और कुछ इदा दिया रोज होंगे ने जो नॉन जीरो होंगे ने, और नॉन जीरो जड़िया होंगे ने उन्होंने आप बोलते हैं जी। दसो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर की होने वाला है, तो तुम सारे कहोगे सानू यह चीज़ ऑलरेडी आती है, जो नॉन जीरो होंगे ने उन्होंने रैंक कहा जाता है। दीज आर रैंक ऑफ द मैट्रिसिज, मतलब जेकर मेरे कोई भी एक मैट्रिसिज है और वो मेरे को एक्लन फॉर्म दे विच है, तो जो इस दे विच नॉन जीरो रोज ने किनिया ने दो ने, तो दो मेरे को इसका की आ जाना है जी रैंक आ जाना है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इजी सिंपल, चलो अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के उपर। हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर दसो की होने वाला है। इस क्वेश्चन तुहानू पूछा होया एक नॉन ट्राइवल सोल्यूशन ए डिटरमिनेंट का कदों होंगे। हूँ नॉन ट्राइवल का मतलब की होंगे, आराम समझ वाली गल है, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन अपने को कदों होंगे। हूँ तुम सारे कहोगे ये चीज़ सानू ऑलरेडी आती है जी, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होंगे जदों मेरे को डिटरमिनेंट की होवे इक्वल टू सॉरी डिटरमिनेंट की होवे इक्वल टू जीरो होवे, और जदों मेरे को डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो मेरे को होएगा नॉन ट्रिवल सोल्यूशन होएगा, और बाय चांस अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो इस केस दे विच मेरे को किया जाता है नो जीरो यूनिक सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। ये यूनिक सोल्यूशन आ जाता है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब मेरे को होएगा ऑलवेज इट विल बी एक्स भी जीरो वाई भी जीरो एंड जैड भी जीरो, जिसनों आप ट्राइवल सोल्यूशन भी बोल देने हाँ। चलो अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 32 के उपर। हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर करो, कहते इन्हों के दसो जी रो एक्लन फॉर्म केड़ी है। हाँ तो यह क्वेश्चन तुहानू हुण आना चाहिए, वट इज़ द रो एक्लन फॉर्म, तो मैं तुहानू दस्या सी पहली चीज़ तो तुहाडे कोल जेड़ियां भी जीरो रोज ने, जेड़ियां भी जीरो रोज ने और बिल्कुल बॉटम ते होनिया चाहिदियां ने। हुण बॉटम ते कित्थे ने तुसी दसो, इहदे विच देख के कि पहली ऑप्शन दे विच बॉटम ते ने, तुसी कहोगे नहीं ध्यान नाल देखो ए रोंग है। सैकेंड दे विच बॉटम ते ने, हाँ बॉटम ते ने। थर्ड दे विच बॉटम ते है, बिल्कुल बॉटम ते है। लास्ट दे विच तां जीरो रो है ही नहीं,
ठीक है। सो अपने कोल की हो गया जी बी जा सी दे विचो एक आंसर होने वाला है। सैकेंड कंडीशन की सी कि जो लीडिंग एलीमेंट्स ने वो इनक्रीजिंग ऑर्डर दे विच होने चाहिए ने, ठीक है। ध्यान नाल देखो इस दे विच लीडिंग एलीमेंट किन्ना है 1 और इस दे विच लीडिंग एलीमेंट्स किन्ने ने 2, इस दे विच लीडिंग एलीमेंट्स किन्ने ने 4 और इस दे विच किन्ने ने 3, तो ए ऑर्डर तो गलत हो गया। इनक्रीजिंग ऑर्डर कित्थे जा रहा, ओनली सी ऑप्शन दे विच जा रहा है। तो केड़ी ऑप्शन अपनी राइट है जी, रो एक्लन फॉर्म दे विच सी इज द राइट आंसर। अगे चलते हाँ 233 दे उपर। देखो इस क्वेश्चन नू थोड़ा जा मैं जूम कर देनी हाँ। देखो इस क्वेश्चन दे विच की पूछा होया तुहानू, द मिनिमम एंड द चलो द मिनिमम एंड द मैक्सिमम आइगन वैल्यूज, मेरे को इस मैट्रिक्स की मिनिमम सब तो छोटी आइगन वैल्यू दिती हुई है 1 एंड सब तो वड्डी आइगन वैल्यू दिती हुई है 4। हुन देखो क्योंकि मेरे को 3x3 की मैट्रिक्स है तो ये किन्नी आइगन वैल्यूज हो सकती ने, 3 हो सकती ने। कहें एक होर आइगन वैल्यूज हैगी है तो दसो जी वह कि होएगी ए बी सी जां डी। हुन तुसीं ध्यान नाल देखो आइगन वैल्यूज कढ़नियां ने और आइगन वैल्यूज 2 मैनू देतियां, 1 रह गई। दसो जी की इस दे विच राइट आंसर होएगा। याद करो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी सी कि आइगन वैल्यूज दा जो सम है वो मेरे को डायगनल एलीमेंट्स दे सम दे इक्वल हुंदा है, यस नो, ठीक है। और डायगनल एलीमेंट्स दा जो मैं सम कर रही हाँ मेरे को किन्ना आ रहा है जी 3+2+3 विच इज़ इक्वल टू 8 और आइगन वैल्यूज़ मैनू 2 दित्तियां हुई ने जिन्हां नू सॉल्व करके 5 आ रहा है। तो हुण इन्हां दे विचों केड़े एक एलीमेंट नू ऐड करिए कि मेरे कोल सम बराबर आ जावे। तुसीं कहोगे जी 3, जदों आपां 3 नू ऐड करांगे तां ही मेरे कोल इह प्रॉपर्टी होल्ड होएगी। सो विच इज़ ए ऑप्शन। तो इहदे विच वी ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना सी, प्रॉपर्टीज़ आंदियां ने, दैन गुड। चलो जी अगे सॉल्व करते हैं 34th क्वेश्चन नू। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स तो हानू ये पूछा गया ए बी सी डी केड़ी ऑप्शन राइट है, वट इज़ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। देखो हूँ सब तो पहला तो 3x3 की गल कर लें, थोड़े बहुत ऑपरेशन लगाने ने लगा लें, C2 दे विच चेंज कर लें, C2-C1 थोड़ा जा ईजी बन जाएगा, नथिंग एल्स 1-1-1 ठीक है जी 0-2 and 0-1-0-1। जेकर मैं ध्यान नाल देखा इस दे अकॉर्डिंग मैंने कर दिता वैनिश, तो -2 1-1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो 3 तो मेरे को रैंक नहीं हैगा, ध्यान नाल देखो 3 रैंक नहीं हैगा, 0 नहीं हुंदा, 0 सिर्फ तो सिर्फ 0 मैट्रिक्स का ही हुंदा, ठीक है। घट तो घट रैंक तो 1 या 2 हो सकता। चलो हुण 2x2 की गल कर लें जी, कोई इदा की मैट्रिक्स ये हैगी है जो मैं 2x2 दे विच चक्का तो मेरा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। तुसीं कहोगे हाँ जी जिन्हों तुसीं सर्कल किया उही अपना आंसर है। देखो जो मैं इसका डिटरमिनेंट कढ़ रही हाँ मेरे को -1 आंसर आ रहा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सो वट इज़ द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, तुसीं कहोगे 2 इज़ द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। चलो जी अगे गल करते हैं 35th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। हुण ध्यान नाल देखो तो जो आप पढ़िया सी रैंक इन मैट रैंक ऑफ द मैट्रिसिज नू, तो उस टाइम तो आपने आइगन वैल्यू आइगन वैक्टर करते हुए ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके नाल डिटेल दे विच पढ़िया सी। AM मेरे को की ने जी अलजबरिक मल्टीप्लीकेटी ने, ठीक है, एंड GM मेरे को की ने जमैट्रिक मल्टीप्लीकेसी ने, ठीक है जी। हुण अपने को जनरल रिजल्ट की हुंदा, वी ऑल नो दैट दिस इज़ अवर जनरल रिजल्ट। तो हमेशा ये चीज़ हमेशा ध्यान दे विच रखनी है कि AM दी वैल्यू हमेशा ही GM तो ग्रेटर हुंदी है और GM दी वैल्यू हमेशा ही 1 तो ग्रेटर हुंदी है। ये रिलेशन हमेशा ही बनता बनता अपन पता है। हुण तुसीं सोचोगे कई जिहड़े साथी अपने जिन्होंने नहीं क्लासेस देखिया तो वह सोचेंगे AM ते GM है कि, तो मैं सानू दस दवा AM मेरे को की हुंदा जी नंबर ऑफ किन्ने वारी मतलब तुहाडे कोल आइगन वैल्यूज आ रही ने, ठीक है। मान लो तुहाडे कोल तुसीं सॉल्व किया तुहाडे कोल आइगन वैल्यूज ए वाली आ गई, तो तुसीं कहोगे 2 जो आइगन वैल्यू हुआ है उसका AM किन्ना है 2 है क्योंकि 2 बारी आ रही है, समझ रही हो, क्लियर है। सिमिलरली जो आप वैक्टर्स की गल करते हैं उसनों आप बोलते हैं GM बोलते हैं, क्लियर है। चलो नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 236। हूँ इस क्वेश्चन मैंने एक मैट्रिक्स देती और इस मैट्रिक्स के मैं कहें जेकर AM ऑफ 2 दसो कि होएगा, मतलब जो तुम AM कढ़ रहे हो
ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੱਢੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ 1, 2, 2 ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ, ਸੋ ਔਨ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ ਐਮ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੀ 2 ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ 3 ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਏ ਐਮ ਆਫ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਅਲਜਬਰਿਕ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 3 ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸ ਦੀ? 2 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਦੇ ਉੱਪਰ। 37 ਜੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਊਬਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਏ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਇੰਟੂ ਆਈ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕੈਲੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਥਿਊਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਈਜ਼ੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਲੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 238 ਕੁਸ਼ਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਹੁਣ ਰੈਂਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਏ ਮਾਈਨਸ 3 ਇੰਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਂਕ ਆਏਗਾ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਐਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ 3 ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਐਮ ਕਿਸਦਾ? 3 ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਏ ਮਾਈਨਸ 3 ਆਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਸਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰਸ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਰੈਂਕ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਰੈਂਕ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਇਸਦਾ 3/3 ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਇਸਦਾ 2/2 ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ 0 ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਐਮ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 2। ਸੋ 2 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੇਅਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 39। ਦ ਸਿਸਟਮ ਏ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੀਨਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗਾ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਕ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 240th ਕੁਸ਼ਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਫੀਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 241 ਦੇ ਉੱਪਰ। 241, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਨ ਵੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਏ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ,
क्योंकि तुसी ए क्यूब दी आइगन वैल्यूज़ कढ़निया ने। मान लो मेरे को ए दी आइगन वैल्यूज़ है लैमडा वन लैमडा टू तो लैमडा थ्री, तो ए क्यूब दी आइगन वैल्यूज़ किवें होणगीआं याद करो आप पढ़िया सी, बस वैल्यूज़ का कर दो क्यूब तो तुहाडा आंसर तैयार है। और तुहानू तो इस भी आइगन वैल्यूज़ कढ़न की लोड़ नहीं, देखो तुहाडे को लोअर ट्रैंगूलर जो अपर ट्रैंगूलर जो मैट्रिक्स आ वो दिती हुई है, तो मतलब तुहाडियां ए दियां आइगन वैल्यूज़ किनिया ने माइनस वन टू एंड वन, और जो तो मैं ए क्यूब दियां कढ़ांगी तो मेरे को किन्ना आ जाएगा माइनस वन एट एंड वन। सो विच ऑप्शन इज़ राइट हेयर, सी इज़ द राइट आंसर, है ना ईजी। चलो आई थिंक सो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सो इसनों इग्नोर करो, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, हाँ जी रिपीटेड सेगा ठीक है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 242। इस क्वेश्चन के विच देखो जी बी मैनु कोई भी एक मैट्रिक्स दिती हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ बी, तो हूँ दसो इस दे विच के प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज़ की होएगा। हूँ तुसी समझदार हो, इस दे विच भी तुसी कुछ नहीं करना है, की करोगे दसो जल्दी जल्दी। सो इहदे विच भी कुछ नहीं करना, वी ऑल नो दैट कि जो जी प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज़ होंगी है वो डिटरमिनेंट दे इक्वल होंगी है। हुण कुछ नहीं जी इसका डिटरमिनेंट काट दो, बल्कि इन्होंने तो तुहानू बना के दिता है सारा कुछ, है ना खीर कह सकते हैं कि बनी बनाई दी है, दो एलीमेंट्स तुहाडे कोल जीरो ने, तो हुण दसो इस दे विच की तुहाने करना है, सिंपल डिटरमिनेंट कढ़ना है तो आंसर तुहाडा तैयार है। किन्ना आ गया जी 15 माइनस माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 15 प्लस 8 एंड 23, सो विच इज़ द राइट आंसर हेयर, दिस इज 23। सो केड़ा रिजल्ट इतने यूज़ किया आप कि जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ होंदा है वह कि इक्वल होंदा जी डिटरमिनेंट दे इक्वल होंदा है। चलो अगे चलते हैं 243 क्वेश्चन के उपर। देखो इस क्वेश्चन के विच ए मैट्रिक्स दिती हुई है और सानू पूछा होया है कि ए जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी रो एक्लेन फॉर्म के विच है, जानू रो एक्लेन फॉर्म दे विच रिड्यूस किया जा सकता है, जा फिर रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म दोनों ही काम ने हैगी भी है तो बना भी सकते हो, है ना ज नन ऑफ दीस। तो देखो हुण ध्यान नाल अपने कोल की हुंदा सी, देखो जीरो मैट्रिक्स तो चलो ये जीरो रो तो ये है नहीं, तो मैं सानू कहा सी लीडिंग एलीमेंट्स नू देखो, लीडिंग एलीमेंट्स नू जेकर तुसी ध्यान नाल देख रहे हो तो मैं देख पा रही हूँ ये एक लीडिंग एलीमेंट है, इस दे विच तीन ने और इस दे विच भी तीन ने, तो मतलब वो तो है ही है ना अपने को कहते हैं उन्होंने इनक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर ठीक है। सो बिल्कुल क्लीयर है जी, वह ऑलरेडी अपने को तैयार होकर आई है रो एक्लेन फॉर्म दे विच। चलो अगे चलते हैं 244th क्वेश्चन। 244th क्वेश्चन दे विच की पूछे है रैंक ऑफ द ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का रैंक की होने वाला है तुहाडे कोल। तो हुण देखो जी एक तुहानू पूरी पर मैट्रिक्स दिती हुई है, इस मैट्रिक्स दे विच पहला तो जेकर तुसी करना चाहते हो ट्रांसपोज कर लो, दैट विल बी 1 2 2 0 2 1 and -1 2 2। चलो हुण इसका रैंक फाइंड करके दसो जी की आंसर इसका आएगा। देखो थोड़ा जहा ईजी बनाने के लिए मैं C3 दे विच चेंज कर रही हूँ, C3 माइनस C1 कर रही हूँ ताकि थोड़ा ईजी हो जाए, तो मेरे को किन्ना बन जाता है -2 0 and 0, तो चलो जी इसके अकॉर्डिंग कर दो वैनिश -2 2 -4, तो एक चीज़ तो क्लीयर है जो भी है नॉट इक्वल टू जीरो है, है ना। सो इसका रैंक कितना आ जाता है जी 3 आ जाता है, नो डाउट ठीक है। अगे चलते हैं 245 के उपर, कहते जेकर तुहाडे कोल ए दा रैंक ए बी दे रैंक दे इक्वल ही ना आवे, तो हुण याद करो कि रिजल्ट आप इतने पढ़िया सी कि जो मेरे को रैंक ही इक्वल नहीं आएगा तो मेरे को रिजल्ट होएगा। हाँ जी दसो जी इसका आंसर की है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट जो भी तुहाडे सामने लिखा होया है ना। चलो जी इस दे विच दसो जी राइट आंसर केड़ा होएगा। हुण तुसी कहोगे जी ये तो सानू आंदा है सानू पता है, जेकर ये दोनों आपस दे विच इक्वल ही ना होए तो तुहाडे कोल नो सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है ठीक है। अगे चलते हैं 246 दे विच देखो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ पी स्क्वायर, हाँ जी पी स्क्वायर सम ऑफ द आइगन वैल्यूज करके दसना है किन्ना होएगा। देखो ये भी तुसी देख पा रहे हो कि जो मैट्रिक्स है उदे विच जो आइगन वैल्यूज ने वो केड़िया ने -1 0 and 10, नो डाउट एग्री हो सारे क्योंकि अपर ट्रैंगूलर मैट्रिसिज है ठीक है। उस तो बाद अगर गल करिए हुण पी स्क्वायर दी मेरे को की होणगीआं, तुसी कहोगे जी 1 क्योंकि स्क्वायर कर देंगे, 0 का स्क्वायर हुंदा 0 और 10 का स्क्वायर हुंदा है 100, और यह नहीं
आपां ने इहदा सम दसना है। चलो जी सम कर दो तो आंसर किन्ना आ गया 101, तो मतलब राइट आंसर की हो जाता है डी ऑप्शन। चलो अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के उपर। हाँ जी इस क्वेश्चन के विच देखो कहिंदे ए तुहाडे कोल कोई भी 6x6 की मैट्रिक्स आ, हुण देखो किन्ना लंबा क्वेश्चन दिता तुहानू, सानू लगता है किन्ना लेंथी होएगा। ए मेरे को कोई भी 6x6 की मैट्रिक्स है, कहिंदे जो मैं अलजबरिक मल्टीप्लीकेशन कढ़दी हाँ 2 की तो मेरे को 3 के इक्वल आ जाती है, और जो मैं अलजबरिक मल्टीप्लीकेशन कढ़दी हाँ 3 की तो मेरे को 2 के इक्वल आ जाती है, अलजबरिक मल्टीप्लीकेशन जो है 5 की वो मेरे को 1 के इक्वल आ जाती है। तो दसो जी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ की होएगा। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतने सिर्फ तुहानू चेक किया होया कि तुहानू नॉलेज है या नहीं ए एम दी, ठीक है। सो ए एम ऑफ 2 का मतलब की है कि दो तुहाडे कोल जिहड़ियां आइगन वैल्यूज़ ने उहदे विच दो तीन वारी आ रहा है, मतलब ये तीनों आइगन वैल्यूज़ ने। 3 ऑफ 2 का मतलब की है, ए भी तुहाडे कोले आइगन वैल्यूज़ ने, ठीक है। दैट इज़ 3 किन्नी वारी आ रहा है, 2 वारी, और 5 किन्नी वारी आ रहा है, 1 वारी। काउंट करके देखो हो गया ना 6 आइगन वैल्यूज़, ठीक है। और सारिया आइगन वैल्यूज़ की करनी है मल्टीप्लाई, चलो जी कर दो मल्टीप्लाई, ये सारिया आइगन वैल्यूज़ ने 8 × 9 × 5, सो 40 नू जो मैं 9 नाल मल्टीप्लाई करती हाँ तो 360 आंसर तैयार हो जाता है, ठीक है। एग्री हो, ठीक है। चलो जी अगे चलते हैं 248 क्वेश्चन। कहिंदे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन रो एक्लन फॉर्म, इन्हां दे विचों केड़ी एक जो मैट्रिसिज है और रो एक्लन फॉर्म दे विच हैगी है। तो जिवें कि मैं सोनू दस्या सी, सब तो पहला तो देखो कि जो तुहाडे कोले 0 रो है वह किहदे विच होनी चाहिए है, लास्ट दे विच होनी चाहिए है ना। तो इहदे विच तो 0 रो लास्ट दे विच हैगी है। चलो पहली कंडीशन सैटिस्फाई की होएगी कि 0 रो लास्ट दे विच होनी चाहिए है, बॉटम ते होनी चाहिए है। ध्यान नाल देखो इहदे विच 0 रो लास्ट दे विच नहीं हैगी, तो इहनू कैंसल कर दो, ठीक है। ये हैगी है, तुसी कहोगे हाँ जी हैगी है, इस दे विच हैगी है, हाँ जी हैगी है। दूसरा स्टैप जो लीडिंग एलीमेंट्स ने वो असेंडिंग ऑर्डर च होने चाहिए ने, इस दे विच लीडिंग एलीमेंट्स किन्ने ने 4, इस दे विच किन्ने ने 2, ता ए ता जी कर दो क्रॉस क्योंकि ये घट रहे ने वध नहीं रहे, ठीक है। चलो अगे देखो जी इस दे विच लीडिंग एलीमेंट्स किन्ने ने 1, इस दे विच किन्ने ने 2 और इस दे विच किन्ने ने 3, तुसी कहोगे यस हो सकता है मेरा आंसर, ये तो बिल्कुल सर दोनों कंडीशन सैटिस्फाई कर रहे हैं। सो दिस इज़ माई आंसर, रह गया डी, उन्होंने चेक कर लें। ये देखो जी लास्ट के देखो जी इस दे लीडिंग एलीमेंट्स किन्ने ने 2 और इस दे 1, फिर होगी कहानी गड़बड़, मतलब सी इज़ द राइट आंसर हियर। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 249 जिन्हों करना नहीं है, अपन पता है कि रो रैंक ऑफ द आइडेंटिटी, हाँ जी एक तो सू 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती, यद रैंक किन्ना तुम कहो सू पता है जी 2 है क्योंकि 0 तो यह डिटरमिनेंट आना नहीं, डिटरमिनेंट किन्ना आएगा 1 आएगा ना। सिमिलरली अगर 4 रैंक की हो उसका रैंक किन्ना होएगा जिन्ना उसका ऑर्डर है, दैट इज इक्वल टू 4, ईजी। अगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर किन्नवा सी अपना 250 के उपर, थोड़ा सा जूम कर दें, ठीक है। देखो 250 जो क्वेश्चन दिता होया, हाँ जी इस क्वेश्चन की दिता हुआ है, ए मेरे कोई भी एक नॉन इंटरबिल इनवर्टिबल मैट्रिसिज है जिसका ऑर्डर किन्ना 4 है, उस दे विच कहिंदे जो आइगन वैल्यूज़ ने वो केड़ियां ने 2, 3, −4। देखो 4x4 की मैट्रिक्स है और उस दे विच तुहानू 3 आइगन वैल्यूज़ देतियां, तो कहिंदे जिहड़ी 4th आइगन वैल्यू है वह दसो की होएगी। हाँ जी वट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एनी आइडिया? तुहाडे कोल जिहड़ियां ऑप्शनस ने वह बड़िया सुंदर दित्तियां होईयां ने, 5 देती, 1 देती, 0 देती, तो नाल ही कहता कांट से एनीथिंग, भी सानू तां जी कुछ नहीं पता क्योंकि तुसी सानू पूरी इनफॉर्मेशन नहीं दित्ती। तो हुण इस दे विच तुहाडा आंसर की होएगा, तुसी ध्यान नाल सोच के देखो नॉन इनवर्टिबल का मतलब की हुंदा है। जदों आपां पेपर देने ना कल्ले कल्ले शब्द का मैटर बहुत मैटर करता हुंदा, कल्ला कल्ला शब्द। नॉन इनवर्टिबल का मतलब की है कि जदों तुसी ए दा इनवर्स कढोगे वह तुसी कढ नहीं सकदे, एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता का मतलब की हो गया कि जिहड़ा ए दा डिटरमिनेंट होगा वह 0 होगा, है ना। 4x4 की जिहड़ी मैट्रिक्स है जदों तुसी उसका डिटरमिनेंट कढ रहे हो तो वह मेरे को किन्ना आ गया जी, 0 आ गया। ईजी हो, मतलब ईजी है, क्लीयर है। हुण तुसी आप सोच के देखो कि जिहड़ी भी मैट्रिक्स हुंदी है उहदे विच मेरे को डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। हुण याद करो अपने को एक रिजल्ट हुंदा सी कि प्रोडक्ट ऑफ
आइगन वैल्यूज मेरे को किसके इक्वल होएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज मेरे को किसके इक्वल होएगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होएगा, और डिटरमिनेंट कितना आ गया जीरो, तो मतलब केड़ा एलिमेंट है जिन्हों आप मल्टीप्लाई करिए आपस दे विच ते आंसर मेरे को आ जाए जीरो। तुसी कहोगे एवं दादा जी एक ही एलीमेंट है दैट इज़ जीरो, तो जिहड़ी अपने को फोर्थ आइगन वैल्यू है कि होन वाली है जी जीरो होन वाली है। सो मोस्ट ऑफ द जिहड़े टीचर्स ने अपने वुड बी टीचर्स और शायद कांड से एनीथिंग वाल चले जाते, पर इतने एक चीज़ सीखो कि हर एक वर्ड जो है वह मैटर करता है, ठीक है। चलो जी अगे चलते हैं, 250th क्वेश्चन सेगा ये, 251st क्वेश्चन के उपर। हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर दसो की होएगा, कहिंदे ए मेरे को प्रॉपर एक मैट्रिक्स दिती हुई है, इस मैट्रिक्स दे विच एक आइगन वैल्यू मैं पता है किन्नी है थ्री है, तो सम ऑफ द अदर टू आइगन वैल्यूज किन्ना होएगा, सम ऑफ अदर टू आइगन वैल्यूज दसना है जी। हुण देखो सम मतलब आइगन वैल्यूज का कर दो ऐड, है ना। मान लो मेरे को एक आइगन वैल्यू हैगी है थ्री, दूसरी हैगी है ए एंड तीसरी हैगी है बी, तिना का सम किता, तिना का सम मेरे को किसके इक्वल आ गया, इन्हों के सम के इक्वल आ गया, यस नो हाँ ना कर दो एक बारी, है ना, क्योंकि आपको पता है ये भी मेरे को एक रिजल्ट होंगे, रिजल्ट की होंगे जी कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिसेस, है ना। चलो तो हम इतों मेरे को कहते सम ऑफ अदर टू मतलब सिर्फ इन्हों दोनों का सम जो है और मेरे को किसके इक्वल आ गया, के माइनस टू दे इक्वल आ गया, सो विच ऑप्शन इज राइट हेयर, सी इज द राइट आंसर। चलो जी अगे चलते हैं 252nd के उपर, 252nd क्वेश्चन जो है तो एक चीज़ नोट कर रहे हो, जिन्हें एफर्ट तो प्लस वन प्लस टू क्लास के लगाने पै रहे थे वह 50% भी तो इतने नहीं लगाने पै रहे, और एवें नहीं है कि मैं ईजी क्वेश्चन लेके आई हूँ, बिल्कुल नहीं, सारे ट्रिकी क्वेश्चन ने, सारे वधिया क्वेश्चन ने, वधिया लैवल के क्वेश्चन ने, ठीक है। सो यदा मतलब यह है कि तुम ग्रैजुएशन दी चीज़ा ज़्यादा सौखिया लगन गियाँ जेकर तुम वधिया प्रैक्टिस कर लें हो। तो हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर देखो 252nd जो है, 252nd के ए मेरे कोई भी एक मैट्रिक्स दिती हुई है जिसका ऑर्डर 5 है, हूँ ऑर्डर 5 है तो 5 आइगन वैल्यूज होनगियाँ, ठीक है। मतलब हूँ तुम समझदार हो, ए एम मैनू माइनस टू का ए एम दिता हुआ दैट इज़ टू, मतलब दो आइगन वैल्यूज मेरे को केड़िया ने माइनस टू एंड माइनस टू, ठीक है। ए एम ऑफ थ्री मैनू दिता हुआ वन, मतलब एक आइगन वैल्यू मेरे को केड़ी है थ्री, एंड ए एम ऑफ फोर मैनू दिता हुआ जी टू, मतलब दो आइगन वैल्यूज मेरे को केड़िया ने फोर। फिर मैं कहते ट्रेस फाइंड करो, हूँ अपन पता तो है कि ट्रेस ऑफ ए मेरे को किदे कोल हुंदा सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, तो सम कर दो जी आइगन वैल्यूज का ट्रेस तुहाडे सामने है। हाँ जी सम करोगे कितना आ जाएगा, इन दोनों ये कैंसल कर दो आंसर आ गया 7, सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है ईजी। चलो अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 253 के उपर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 253, चिंता ना करो ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही रह गए नहीं, उस तो बाद तुहाडा ये टॉपिक फिनिश है, ठीक है। चलो पी क्यूब प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी, दसो जी इसका आंसर, नहीं इसका आंसर नहीं, इसका ट्रेस का आंसर किन्ना होगा, तो इतने भी उही लॉजिक लगन वाला है क्योंकि मैं पता है जेकर मैंने ट्रेस क्ढना है तो मैं एवें भी तो क्ड सकती हाँ ना, ट्रेस ऑफ पी थ्री प्लस 3 इंटू ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। हुण देखो जी एदा तो मैनू चलो हले पता नहीं, एदा मैनू पता है कि आइडेंटिटी का ट्रेस किन्ना होगा, 3 होगा क्योंकि 3/3 दी आ, हुण 3 ना मल्टीप्लाई करांगे आ गया 9। चलो हुण इहदी गल करदे आ, ध्यान नाल देखो इसदे जो आइगन वैल्यूज ने, ध्यान नाल देखो आइगन वैल्यूज मैं एवें किवें लै लियां, अपर ट्रैंगुलर मैट्रिसिस, तो आइगन वैल्यूज का कर दो सम क्योंकि पी दियां आइगन वैल्यूज किन्नियां ने 5 माइनस 2 एंड 1, तो आप कढ़निया ने पी क्यूब दियाँ, तो पी क्यूब दियाँ आइगन वैल्यूज की होनगियाँ 125 प्लस 8 प्लस 1, और इतने माइनस 8 आएगा, ठीक है जी। चलो हूँ इन सबनों कर दो सोल्व, तो आंसर तैयार है, किन्ना आंसर आ गया 125 प्लस 2 विच इज़ 127, सो ए बी सी डी विच इज़ द राइट आंसर हेयर, तुम कहोगे डी आंसर आया जी साडा, बिल्कुल डी आया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो शुक्र है, तो हाँ इस दे नाल ही मैट्रिसिस एंड डिटरमिनेंट टॉपिक हो गया कंप्लीट, आइगन वैल्यू केले हैमिल्टन थ्योरम रैंक ऑफ द मैट्रिसिस, हूँ बहुते सोचेंगे आइगन वैक्टर, तो आइगन वैक्टर ना रिलेटेड क्वेश्चन हाले तक नहीं आया ना ही आवे, ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन चला जाता है। ए एम जी एम आइगन वैक्टर कवर करते अपने क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, तो सारे टाइप तो कवर हो चुकी है, बाकी
टेस्ट दो, टेस्ट कदों होएगा तुहाडा तुहानू सब नू पता है कि संडे साडा टेस्ट है मैट्रिसिज एंड डिटरमिनेंट का। सो जिन्हां ने टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की चैनल पर वीडियो अवेलेबल हैगी है किवें ज्वाइन करनी है कर लो जी, ठीक है। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर पता ही है तुहानू करना ही करना है, एंड कमेंट करके अपने रिव्यू जरूर दे दिओ। धन्यवाद।